तैयार कर देने आओ माता जी नूं पुछदे आ जी। हां जी माता जी किवें प्रोसेस चल रहा जी तुहाडा? इह बहुत वधिया साडा ओह पहली साइड आटा गुन्नण वाली मशीन आ, इधर पेड़े बनाने वाली मशीन आ, इधर असीं पेड़े रखदे आ, इधर रोटी बन के नाल दे नाल फुलके इधर आ जांदे। ठीक है जी। इह किन्नी रोटी ते किन्ने टाइम दे विच बन जांदी आ? मेरे ख्याल इक घंटे च, साढ़े बारह सौ। हाँ, एक मशीन दे विच एक घंटे च साढ़े बारह सौ प्रशादा तैयार हो जाता। एक घंटे दे विच कह रहे ने कि एक मशीन साढ़े बारह सौ प्रशादा बन जाता जी। तो दो मशीन लगिया हुई हैं इन्हां कोल, पेड़ा बनाने वाली अलग लगी हुई है, आटा गुन्नण वाली अलग है। सो माता जी फिर तो तुसीं एक दिन का लंगर किन्नी देर च बना दिंदे हो? ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਾਗ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਖਣੀ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਆ, ਨਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆ ਵਾ, ਛਕਾਉਣ ਕੌਣ ਦਿਆ ਤੇ ਛਕਣ ਕੌਣ ਦਿਆ। ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ
कि लंगर की तोड़ी में बहुत लंगर है जी, बहुत लंगर तुम देखा होना 10 किलोमीटर का काफला लंगर का कोई मतलब इन्ना बाबे नाने ने कृपा की है वन सोने लंगर है किसान के शागि रहे उत्तों की जी लोकल पब्लिक है आनंद ला रहे अभी तो मैं तो कह रहा भाजी मैं जो अपना मोर्चा जित लिया तो इन्होंने ना ही साढ़े टुर जाना सा दिल नहीं लगना इन्होंने भी दिल नहीं लगना क्योंकि ये भी बेचारे सवेरे सवेरे आ जाते हैं चाह तो लैके रात तक 10 बजे तक जो तिल फुल छकना है ना छा के आनंद ले जाते हैं जी ये भी धन धन करते हैं जी धन है मालिक जी अभी तो बड़े मालिक की बड़ी कृपा वा जी एक यहोजा कठ आ जिद कोई मेर तेर नहीं कोई ऊंच नीच नहीं है इतने मुसलमान वीर भी आते हैं हिंदू वीर भी हदों वह हरियाणे वीर ने भी बड़ा सहयोग दिता जी दो मशाल जोड़ी लकड़ा में अमार लगे बालन वास्ते सू आप नहीं समझ आती कि मालिक आई कितों जाना जी ये राजनीतिक लोग जो धर्म के नाते या जात पात के नाते लोगों को पागल बनाते सन इस एजुटेशन को खत्म कर दिता वो सब बराबर कर दिता हूँ कोई कोई मुसलमान नहीं कोई हिंदू नहीं कोई सिख नहीं नाले किसान की कोई जात नहीं किसान जो किरती है कोई जात नहीं वो तो किसान है वो भी कोई जात नहीं वो तो सारे देश सारे वर्ल्ड का जो किसानी करता ना वो कोई जात नहीं तो ये पागल बनाया सी पर हुण अवेयरनैस जिवें तुहाडे वर्गे वीर सोशल मीडिया के जिहड़े ग्राउंड लेवल ते की रिपोर्ट है हुण अवेयरनैस जारी आई इत्थे ते हो रहा साडे जिहड़े भरा जिहड़े बाहर बैठे ने उन्हां दी पूछलां जगाईआं होईआं ने पर मतलब बुरा काम चक्या होया उन्हां ने पूरा सारे वर्ल्ड दे विच एजिटेशन दे इस एजिटेशन ते सारे वर्ल्ड दी नज़र है शायद मोदी इत्थे तक्का कर सकता सी अगर जे वर्ल्ड की नज़र ना होंदी हुण कनेडा अमरीका इंग्लैंड सारे की नज़र इत्थे एजिटेशन दे की हो रहा मिंट मिंट की रिपोर्ट उन्हां नूं जा रही है की हो रहा अज की होया कल की होया अपडेट जा रही है इस करके मैं कहना मालक मोदी भी सियाणा बने परमात्मा नूं सतबुद्धि दे फटाफट जिहड़ा काम आए असीं किसान भरा मतलब काले कानून वापस करा ये फटाफट करे तो घर अपना किसान खुशी खुशी अपने घर वापसी जान हम तुम देख रहे हो कि ठंड है ठंड के किसान डटे हुए फिर भी परिवार को नहीं कोई शिकत नहीं अपना ये एजिटेशन ने लोगों मेले मेले के रूप से बना लिया दो चार दिन मन ही नहीं लगता हालात बारह दिन ला के घर गए तीन दिन रह गए मुड़के ट्राली ट्रैक्टर लाके आना तो सहन की थोड़ी प्रॉब्लम है पर असि भी सोच रहा चलो सरकार कुछ ना कर सिर्फ अपनी एक सोच बदल लैन अज सोच बदल लैन देखो इंसान रोटी बिना नहीं जो रह सकता अगर वह भी अनाज खाते हो जे अगर सोने की रोटी वो भी नहीं खाते हो भावे कोई किन्ना भी तनौड़िया सोने की रोटी कोई नहीं खाता खाना उन्हें अनाज या फिर साडे प्रति किसानों प्रति उन्होंने इन्ना गुस्सा सामी नहीं इस गल की समझ आई इन्नी आनी नहीं चाहिए सरकार सिर्फ अपनी सोच बदल लैन मेरे हिसाब से साडा हिंदुस्तान सोने का बन जाए जी अगे घाटत सी वह पूरी हो जाए साडे च कोई घाटा नहीं है साडे ते हर चीज़ मिलती है प्यार भी बड़ा वा हर एक इंसानियत हैगी थोड़िया सरकार सोचा थोड़िया जी गलत ने जो सोचा सही हो जाए तो रब आप इतने वसे बह रहा है बच्चे पुछा करा बापू तू इतों गया मैं गया नहीं तू क्यों नहीं गया फलाना जाकर पुछेंगे भी की होया एक इतिहास रच गया आने वाली नस्ल वास्ते इतिहास रच गया जिंदगी मेरे आने अपनी याद कर 20 साल 20 इतिहास लिखा जाएगा भी हाँ मैंने याद कर लिया बच्चे भी हाँ मैं बाप गए पूछन गए भी अपने बाप ने भी तुम तो उस हाथ से गए थे कि नहीं उठे मेरे मतलब बच्चों ने होया भी चलो परमात्मा थोड़े मिले मेले साढ़े सबने हो बहुत धन्यवाद जो मान लो कि इंसान कोई बंदा इतने नहीं पहुँचता वो बंदे गले मैं जे ना गया शायद मेरे तो कभी कभी भुल होगी मैं सोच रहा हूँ हरेक बंद मन की भावना मैं जरूर जावा एक दिन ले जावा दो दिन ले जावा हरेक बंद मन की भावना मतलब वो लोगों ने मन की भावना भी जब तक कानून वापस नहीं लगा मोदी एक पिछले नहीं आते हैं लोग घरों गल मुका के आने जो मुड़ा जो सा कानून वापस होगा उन्होंने रद्द करवा के ही जावे तो लोग सुख की रोटी खाएंगे जे मतलब नहीं मनता तो जट मर गए जो बिल्कुल ही इंसानियत खत्म होगी वो अंदरों लोगों ने वोटा पाइं बनाया वो पर गल सोचते नहीं कितने भी मतलब सिर्फ वो घर आया कराने पिछले लगे तो रहा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 1200 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਚੌਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕੀ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਸਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ